दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 को यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। ये भी खबर आई कि उन्होंने पंखे से टांग करके अपनी जान ले ली, सुसाइड किया, यानी कि खुदकुशी कर ली। लेकिन उनके इस चीज पे मीडिया ने सबसे पहले प्रोपेगेंडा शुरू किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। साथ में जो मुंबई पुलिस है उसकी भी यह स्टेटमेंट आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी इसी डायरेक्शन पे करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि इस केस में सुशांत सिंह का जो डेथ हुई है ये उनका सुसाइड नहीं है, ये उनका मर्डर है। और इस मर्डर के पीछे कुछ प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, यानी कि मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड गैंग है या दाऊद गैंग है वो इसके पीछे लगा है और उसी का हाथ है सुशांत सिंह को मर्डर करने में। और लेकिन मर्डर कराने के लिए कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सुशांत सिंह के मर्डर से पहले एक दिन पहले यानी कि 13 जून 2020 को उसके घर के पास के जो सीसीटीवी कैमराज थे वो ऑफ थे या बंद कर दिए गए थे या खराब कर दिए गए थे, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये जो किलिंग है इसको जो है सुशांत सिंह को मारा गया और ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसका मर्डर प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, तो ये समझ नहीं आता मुझे कि मुंबई पुलिस ने कैसे मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। सुशांत सिंह राजपूत अपनी डेथ से कुछ दिन पहले उनको थ्रेटनिंग कॉल आ रही थी, उनको धमकी दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे और इसकी वजह से वो कई बार अपने घर के बाहर जाके सोया करते थे, यानी कि रात को घर में नहीं आते थे और अपनी गाड़ी में कहीं सुनसान जगह में अकेली जगह में अपनी गाड़ी खड़ी करके पार्क करके उसमें सो जाया करते थे। वो इतने घबराए और इतने परेशान थे और नेचुरली जब प्रोफेशनल्स आपके पीछे लगे हों तो आदमी परेशान और घबराहट तो उसको होती है। और सुशांत सिंह के साथ दिक्कत ये थी कि ये बेचारा अकेला था। सुशांत सिंह ने अपनी डेथ से एक महीना पहले 50 सिम चेंज किए, इससे इंडिकेशन लगती है कि उसको धमकियां मिल रही थी जिसकी वजह से बार बार सिम चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो सिम चेंज करने की इन्फॉर्मेशन जो लोग धमकी देते थे उनके पास पहुंच जाती थी। पुलिस इस केस की बड़ी सीरियस इंक्वायरी कर रही है और जैसे हाई प्रोफाइल केस आते हैं तो पुलिस इंक्वायरी सीधे से करती है, बड़ी सीरियसली करती है। उसके दो रीजन है, आप अगर इंक्वायरी अच्छे से करेंगे या तो आपको उस आदमी को कन्विक्ट करना है जो उसने उसको मारा है, या आपने उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिन्होंने इनको मारा है, या उसके अंदर क्योंकि बड़े बड़े केसों में एक बड़ा रीजन भी होते हैं, कुछ जो करप्ट पुलिस वाले होते हैं वो इस केसों का फायदा उठाते हैं पैसे खाने का, क्योंकि यहां पे करोड़ों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं और नेचुरली बात है जब अंडरवर्ल्ड का नाम आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि पैसे का खेल इसमें होगा ही, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ हो। लेकिन दूसरी तरफ है कि डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी है। अगर गवर्नमेंट आपकी सीरियस है, क्योंकि नेचुरली ये केस महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र की पुलिस और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज किए हुए हैं आज की डेट में। अब ये क्वेश्चन है हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। ये तो पक्की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर जो है प्रोफेशनल तरीके से किया गया, उनके अंदर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट थी, दाऊद गैंग की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि मुंबई में जो कुछ भी होता है वो दाऊद गैंग के हिसाब से चलता है, चाहे दाऊद गैंग हो या नहीं हो, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है वो दाऊद के साथ है, पहले भी था और आज भी है। जो अंडरवर्ल्ड है वो जहां पैसा होता है वो वहां पे एक्टिव होता है और उसके एक्टिव होने का पर्पज ये है कि जो वहां की उनके पैसे की शेयरिंग है, पैसे की इनकम है, पैसे की जनरेशन है या पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो वहीं वो करते हैं। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है तो अंडरवर्ल्ड तो वहां रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी भी शेप में रहे, क्योंकि इनको अपने पैसे वाइट करने हैं वो भी इनका काम है, फिर इनके पास मसल पावर है उसको भी यूज करते हैं, फिर इनके पास जो दूसरी मनी पावर है उसको भी यूज करते हैं, फिर इनके पास जो गन पावर है उसका भी यूज होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आईएसआई भी इसमें पूरी इन्वॉल्व है, मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, यहां पे कुछ लोग रहे हैं पाकिस्तान के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉरन के अंदर और हमारे वहां पे बॉलीवुड के स्टार्स और बाकी लोग वहां पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए और उनको अच्छे रिटर्न मिलते हैं और उसके बाद वो पैसा यूज करते हैं इंडिया के खिलाफ। ये लोगों को पता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं इनके लिए सब कुछ एक पैसा है। इस चक्कर में मैं नाम लूंगा आपको अनिल मुशर्रफ और राहिल सिद्दीकी, ये दोनों के लिंक्स हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ भी लिंक है, आईएसआई के साथ भी लिंक है और इनके लिंक जो है यहां के बॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी है। इसके बारे में पहले भी मैं वीडियो इशू कर चुका हूं, लेकिन इसके बाद मैं दोबारा से इनके बारे में और पूरी डिटेल के साथ वीडियो इशू करूंगा कि इनकी कैसे कैसे एक्टिविटीज है और इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही है, उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।
जो मर्डर हुआ है सुशांत राजपूत का, इसके अंदर जो पहला जो शक जाता है वो जाता है सुशांत के सर्वेंट के ऊपर। यह कहा जाता है कि सुशांत के सर्वेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सुशांत सिंह ने अपना सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक के। अब इसमें दूसरी बात आती है कि जब उसने सुसाइड किया तो उसका सर्वेंट कहां था। चलिए दूसरी बात हम करते हैं। और एक और बात कही जाती है कि सुशांत सिंह के मर्डर या उसकी सुसाइड से पहले उसने अपने नौकर से कहा कि मुझे एक जूस का ग्लास दे दो। बाद में जब पुलिस से पूछताछ हुई तो उसके सर्वेंट ने अपना ये स्टेटमेंट चेंज कर दिया, और नेचुरली किसी के कहने पे चेंज किया होगा, उसके एडवाइजर से कहने पे चेंज किया होगा। दूसरी बात यह आती है कि नौकर जो है सुशांत का, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ जानता है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हाँ उसको पूरी जानकारी है, क्योंकि जब सुशांत सिंह परेशान होगा तो भी नौकर को सारी कुछ बातें पता थी। सुशांत सिंह घर नहीं आता था, नौकर को बात पता होगी, अपनी गाड़ियों में सोता था, नौकर को सारी बात होगी, थ्रेटनिंग कॉल आती होगी तो नौकर को सारी बात पता होगी, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि उनके घर में एक डॉग था, डॉगी था सुशांत का, और ये कहते हैं कि डॉगी जब सुशांत का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ तो डॉगी कुछ नहीं बोला। और मुझे इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जब भी जो लोग मर्डर करने आए होंगे तो या तो सर्वेंट ने डॉगी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया होगा, या वो जो लोग मर्डर करने आए थे उनको डॉगी अच्छे से जानता होगा, पहचानता होगा, जिसकी वजह से कोई शोर नहीं बचा। और ये भी हो सकता है कि सुशांत को मारने से पहले, कि मुझे ये तो नहीं पता कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स या बाकी क्या है, कि उसको ड्रग्स दिए ताकि वो बेहोश हो गया और तब उसके बाद जाके मारा हो, ये तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर ही आएगा। दूसरी बात एक और है कि डुप्लीकेट कीज घर की मिसिंग है। अगर डुप्लीकेट कीज मिसिंग है तो किसके पास होंगी? नौकर को पता होगा कौन लेके गया हुआ, या कोई घर में आया हो उसके बाद मिसिंग होगी, या सुशांत को पता होगा? सुशांत तो नहीं बता सकता, लेकिन नौकर को इस बारे में जरूर पता होगा और ये उसके नॉलेज के बगैर नहीं। दूसरा आदमी शक के दायरे में है वो है संदीप सिंह। संदीप सिंह जो है एक डायरेक्टर है, सुशांत का सो कॉल्ड फ्रेंड था, उसको शैडो करता था, और शैडो करके ये जो उसकी डेवलपमेंट होती थी, चाहे उसके सिम चेंज करने की डेवलपमेंट हो या उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, वो सारी खबरें देता था। कहते हैं ये करण जौहर सलमान खान को खबर देता था, और उसके बाद की खबर जिसको भी जानी हो जाती थी, और तभी इसको बार बार परेशान भी किया जाता था, क्योंकि जो भी दूसरी तरफ की पार्टी थी उसको पता था कि इसका नया सिम कौन सा है, और वो सारी खबर जो है इसको संदीप सिंह दिया करता था। एक बिहार के सिंगर हैं छलिया बिहारी, उन्होंने भी यह बात कन्फर्म की। कुछ लोग कहते हैं कि संदीप सिंह ने सुशांत राजपूत को मारा दाऊद गैंग के कहने पे, और सर्वेंट ने भी इसको मारने में हेल्प की है संदीप सिंह की। खैर ये थ्योरी है, कभी ना कभी बाहर आएगी नहीं आएगी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। इसमें जो सस्पेक्ट नंबर 3 और 4 आते हैं वो आते हैं रिया चक्रवर्ती और मुकेश भट्ट। रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ रह रही थी, और ये कहते हैं कि 3-4 दिन पहले मुकेश भट्ट ने फोन किया रिया चक्रवर्ती को कि आप यहां से निकल जाओ, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को छोड़कर निकल गई। इसका मतलब यह है कि मुकेश भट्ट को पता था कि कोई बड़ी इंसिडेंट होने वाली है, रादर बड़ी इंसिडेंट क्या, उसको समझ आ गया था कि सुशांत सिंह की को मारने वाले हैं। और रिया चक्रवर्ती जो है वो भी जानती होंगी कि इनके साथ ऐसा होने वाला है, जिसकी वजह से वो छोड़ के चली गई, क्योंकि ना तो अपना वो करियर खराब करना चाहती थी फिल्म का, ना ये चाहती थी कि वो किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सुशांत के मर्डर के ऊपर, या उनके साथ उनको भी मारा जाए। तो रिया चक्रवर्ती को ये भी पता था कि सुशांत सिंह डिस्टर्ब चल रहा है, और इसके बारे में वो भी जरूर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, और इसीलिए वो उसका घर भी छोड़ के चली गई। और ये भी कहा जाता है कि बाद में रिया चक्रवर्ती की पुलिस ने इंटेरोगेशन की तो 11 घंटे उसकी इंटेरोगेशन चली, और साथ में 13 और लोगों की इंटेरोगेशन की पुलिस ने इनिशियली, बाद में किसी और की भी की होगी वो मुझे नहीं पता। और इसके साथ साथ जो इनके लास्ट डायरेक्टर थे फिल्म के, उनकी भी 8 घंटे तक पुलिस ने इनकी इंक्वायरी की, ऐसे पूछताछ। जब सुशांत राजपूत की डेथ हुई तो उनके गले में एक जो हरे रंग का कपड़ा डाला हुआ था वो था रिया चक्रवर्ती। इसके ऊपर मैं कहूंगा कि ये हरे कपड़े का राज क्या है। हरे कपड़े का राज ये है कि किसी ने, जिसने भी उसका मर्डर किया है, वो इसका जो मर्डर है उसको एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करना चाहता था, या मिसडायरेक्ट करना चाहता था, मेन इश्यू से भटकाना चाहता था उनका ध्यान। इसके साथ साथ और भी बड़े से लोग हैं जिनके बारे में बात करूंगा, उनके बारे में बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। मैं इसमें यही कहूंगा कि भगवान सुशांत राजपूत की आत्मा को शांति दे, ही शुड रेस्ट इन पीस, और मुझे लगता है कि ये पीस में तब रेस्ट करेंगे जब इनको जस्टिस मिलेगा।
इसके बाद मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन से और मेन सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की नॉलेज है, और जो इसके फर्स्ट हैंड नॉलेज रखते होंगे या सेकेंड हैंड नॉलेज रखते होंगे या उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इन चार जो लोगों का नाम दिया है इनमें से सर्वेंट हो गया, या उनका जो एक डायरेक्टर दोस्त था वो संदीप सिंह हो गया, या इनका रिया चक्रवर्ती हो गई, इनको पता तो था लेकिन इनका मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर इन्वॉल्वमेंट हो। अगर होगी भी तो पैसे के थ्रू की होगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक घबराई डरी हुई थी, जिसको डायरेक्शन दिया निकलने को तो उनके घर से निकल गई और उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी डेथ नहीं करना चाहती थी, मरना नहीं चाहती थी। इसके बाद बॉलीवुड के जो और कुछ लोग हैं जिनके कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ, उनको भी कोशिश करूंगा एक्सपोज करने की, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए। ये लोग बाहर के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ पैसे लेते हैं, उनसे उनके कहने पे उल्टे सीधे हिंदुस्तान के अंदर काम करते हैं, और ये जो इनके पैसे खर्चने के बाद जब कमाई करते हैं वो करते हैं जनता से, आप लोगों से, हम लोगों से। तो इन लोगों का एक फ्यूचर में बायकॉट भी होना चाहिए। इसके बाद भी मैं बारे में फ्यूचर में आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।